हॉस्पिटल के अंदर से बहुत तेज तेज से चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। बाबा को लगता है कि जेफ द किलर ने रॉड को मार दिया है। बाबा हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और चिल्लाने की आवाजें सुन के बाबा बहुत डर जाते हैं। उधर बस में बैठे गुल्ली बुल्ली और सोन ये सब सुन के बहुत डर जाते हैं और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है, हमें लगता है कि बाबा कोई बड़ी मुसीबत में है, हमें बाबा को बचाने के लिए जाना होगा। ये सुन के बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली चलो, बाबा को हमारी जरूरत पड़ेगी, कहीं जेफ द किलर ने बाबा को भी ना मार दिया हो। ये सुन के पीछे से सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोगों के साथ मैं भी चलूंगा। इतना बोल के गुल्ली बुल्ली और सोन बस से उतर जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। ये सुन के गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं और इधर उधर जंगल में बाबा को ढूंढने लगते हैं। उधर बाबा हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन आखिर हॉस्पिटल के अंदर से चिल्ला कौन रहा है? अरे ये क्या, ये तो एविल नन है, इसका मतलब एविल नन सो के उठ गई, अब एविल नन किसी को नहीं छोड़ेगी। एविल नन के सामने जेफ द किलर दिखता है, तो क्या अब एविल नन जेफ द किलर को मार देगी? एविल नन जेफ द किलर के पास जाती है और बोलती है, लाओ दो उस रॉड को, मैं खाऊंगी उसे, उसे खाने से मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। ये सुन के जेफ द किलर बोलता है, रुको एविल नन, जंगल में तीन लड़के और हैं और उनके साथ एक बाबा भी हैं, हम लोग सबको एक साथ पकड़ के मार के खाएंगे। ये सुन के एविल नन बोलती है, ठीक है फिर तुम यहीं रुको, मैं उन लोगों को पकड़ के लाती हूँ। ये क्या, ये तो एविल नन और जेफ द किलर आपस में मिले हुए हैं, अब ये लोग गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को नहीं छोड़ेंगे। और उधर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा और रॉड को ढूंढते रहते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, हम लोग ऐसे बाबा और रॉड को नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी गुल्ली बोलता है, सोन तुम उधर जाओ बाबा को ढूंढने के लिए और बुल्ली तुम मेरे साथ चलो। इतना बोल के गुल्ली बुल्ली एक साथ जंगल में बाबा को ढूंढने लगते हैं और उधर सोन अकेले बाबा को ढूंढने लगता है। इधर एविल नन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। एविल नन को देख के बाबा को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बाबा समझ जाते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और बाबा तुरंत गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ जाने लगते हैं। बाबा तुरंत बस के पास जाते हैं और बाबा देखते हैं कि बस में कोई है ही नहीं। ये देख के बाबा बहुत डर जाते हैं और बाबा को लगता है कि एविल नन ने कहीं गुल्ली बुल्ली और सोन को मार ना दिया हो। बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाते हैं और तभी बाबा को गुल्ली बुल्ली दिखते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली के पास जाते हैं और बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली सोन कहाँ चला गया? तभी बुल्ली बोलता है, बाबा हम लोग आपको ढूंढने निकले थे और सोन भी आपको ढूंढने निकला था, लेकिन पता नहीं सोन कहाँ चला गया। तभी बाबा गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ऊपर से एविल नन सोन को उड़ा के ले जा रही है। ये देख के बाबा गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। तो अब क्या होगा सोन का? क्या बाबा पहले सोन को बचाएंगे या फिर रॉड को बचाएंगे? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।